हाय, जय श्री मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि नीचे की तरफ हम थोड़ा एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मैंने आपको लेवल भी बताया था बैंक निफ्टी में 22,000 के अराउंड एक्सपायरी हो सकता है, 11,300 से लेके 11,400 के बीच में निफ्टी का एक्सपायरी हो सकता है। ये मैंने आपको क्लियरली लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले लास्ट वीडियो जाके देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना, तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। अब एनालिसिस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। आप देख सकते हो गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, और अगर अब ये एक दो दिन में गैप फिलअप नहीं करता तो ये गैप एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा और एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी थोड़ा सा व्यू कॉशियस हो जाएगा लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए, और अगर आप शॉर्ट ट्रेडर हो तो ये गैप अगर फिल नहीं होता है तो आप शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकते हो। 11,200 के नीचे हम निफ्टी में एक बड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 300-400 पॉइंट का। सो मेरे लिए अभी भी थोड़ा सा व्यू साइडवेज रहेगा, लेकिन 11,200 के नीचे एक बड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखो, बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपनिंग हुआ और 22,000 के नीचे ही क्लोज किया है, जो कि नेगेटिव क्लोजिंग है। और मैंने आपको बैंक निफ्टी में हर एक वीडियो में लेवल बताया है, 21,500 ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर ये लेवल टूटता है तो एक 700-800 पॉइंट का करेक्शन हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो आपका व्यू कॉशियस होना चाहिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस होने चाहिए लॉन्ग पोजीशन के लिए। अगर ये गैप एक दो दिन में फिलअप नहीं करता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो थोड़ा सा व्यू साइडवेज टू बेरिश रहेगा। 21,500 अगर टूटता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में वोल्टास बाय दिया था 653 के ऊपर। डेफिनेटली आप लोगों ने काफी अच्छा पैसा बनाया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि इसमें एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है, और 670 का मैंने आपको टारगेट भी दिया था। ONGC मैंने आपको सेल दिया था 79 के नीचे। ONGC अगर आप देखो जो लेवल पे सेल दिया था उसी लेवल के आसपास ओपन हुआ था, और उसके बाद एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला। अगर आपने ये फॉल में प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो आपको प्रॉफिट आया होगा ONGC में, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 1.5 रुपए का फॉल था। तो 79 रुपीज का स्टॉक है, इंट्राडे ट्रेडर के लिए 1.5 रुपए भी इनफ होता है। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा तो आपने डेफिनेटली आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा। और टोरेंट फार्मा भी मैंने सेल दिया था, इसमें भी सेम केस हुआ है। अगर आप 2785 के नीचे मैंने सेल दिया था, 2780 के नीचे लो बनाया है और उसके बाद वापस ऊपर गया है। तो जैसे ही ट्रेड फेवर में जाता है तो आप फास्ट प्रॉफिट बुकिंग कर लो, और या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते रहो। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं आता है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना पहले सीख लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आजकल काफी ज्यादा फास्ट मूवमेंट होते हैं और काफी ज्यादा फास्ट रिवर्सल्स होते हैं। तो मेरा आपको यही एडवाइस रहेगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना सीख लो मेरे ट्रेड्स में, और या फिर आप एज ए इंट्राडे ट्रेडर हो तो फास्ट प्रॉफिट बुक करना सीख लो, तो आपको मेरे ट्रेड में काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला स्टॉक होगा HDFC लाइफ। HDFC लाइफ अगर आप देखो 600 के राउंड ऑफ के नीचे क्लोज हुआ है। यहाँ पे कंटिन्यूसली एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और 600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 600 के नीचे क्लोज हुआ है, जो कि एक नेगेटिव क्लोजिंग है। स्ट्रक्चर भी काफी नेगेटिव है चार्ट का। मुझे लगता है यहाँ से करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो HDFC लाइफ काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन में। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा एस्कॉट। एस्कॉट का भी स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव लग रहा है, आप देख सकते हो बहुत सारे टेल्स छोड़े ऊपर की तरफ। तो एक सप्लाई हमें देखने को मिल रहा है एस्कॉट में। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन काफी अच्छा शॉर्ट लग रहा है एस्कॉट भी। एंड लास्ट स्टॉक होगा MGL। MGL आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ दिया है। मुझे लगता है इसमें यहाँ से और अपमूव देखने को मिल सकता है। सो MGL काफी अच्छा बाय रहेगा। कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। जो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ डेली बेसिस पे, ये जो मैं सिखाता हूँ पेड प्रोग्राम में, उसका सिर्फ 1% नॉलेज है। पेड प्रोग्राम में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं लाइव मार्केट में वेबिनार्स में बहुत सारी चीजें सिखाता हूँ, इन डेप्थ में एग्जाम्पल के साथ सिखाता हूँ और प्रैक्टिकल ट्रेड लेके सिखाता हूँ। डेली वेबिनार्स में हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेड लेते हैं और एक्चुअल में रियल प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आपको इन डिटेल सीरियसली सीखना है मार्केट में कंसिस्टेंटली कैसे पैसा बनाते हैं, तो आप ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको प्रोग्राम का डिटेल मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट को एज अ सीरियस बिजनेस की तरह लो। स्टॉक मार्केट कोई पार्ट टाइम जैसे करने वाली चीज नहीं है। अगर आप इसको सीरियसली करोगे तो मार्केट भी आपको सीरियसली ही बड़ा प्रॉफिट देगा। तो आपको थोड़ा सा आपके स्टडीज में सीरियसनेस लाना पड़ेगा, इन डेप्थ आपको चीजों को सीखना पड़ेगा। मेरे लाइव मार्केट वेबिनार्स में मैं ट्रेड कंफर्मेशन सेटअप सिखाता हूँ, इंडिकेटर सेटअप सिखाता हूँ, और लाइव मार्केट में मैं ट्रेड लेकर भी दिखाता हूँ और एक्चुअली हम लोग प्रॉफिट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ में लाइव मार्केट में लाइव वेबिनार में ट्रेडिंग करते हैं और हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आपको इन डेप्थ सीखना है तो आप ये नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको प्रोग्राम का डिटेल मिल जाएगा। बाकी आप यूट्यूब वीडियोज देखते रहो, आप यूट्यूब पर डेली एनालिसिस तो आपको मिल ही रहा है।
आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। We'll be right back.